So I'm going to start with the first example from practice set 6.4. Draw a histogram of following data. So you are given the height of the students in centimeter, and these are the classes and these are the frequencies. Number of student is nothing but the frequencies. So the classes are 135 to 140, 140 to 145, 145 to 50 and 150 to 155, means the classes are continuous. तो हम कैसे पहचानते हैं कि ये क्लासेस कंटिन्यूस है? तो ये फर्स्ट वाला जो क्लास है वो जहाँ से एंड होता है वहीं से दूसरे क्लास का जो फर्स्ट वाला नंबर है वो स्टार्ट होता है. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ लोअर लिमिट, अपर लिमिट. जो अपर लिमिट पहले क्लास का है उससे लोअर लिमिट सेकेंड क्लास का स्टार्ट होता है. तो ये दोनों नंबर्स इजी टू आइडेंटिफाई. ये देखो मैं कैसे कर रही हूँ. सो दीज आर द कंटिन्यूस क्लासेस. सो वी गोइंग टू ड्रॉ विद द फर्स्ट फिगर, दैट इज फर्स्ट हिस्टोग्राम. तो हमें कैसे करना है? तो मैंने अभी पहले आपको बुलाया था कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए जो क्लासेस है वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, दैट इज हाइट ऑफ द स्टूडेंट विद आर टेकिंग ऑन एक्स एक्सिस, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी, वी गोइंग टू ड्रॉ इट ऑन द वाई एक्सिस. तो मैंने ये ग्राफ पेज लिया है यहाँ पे. तो इस ग्राफ में हमें क्या करना है, देखो ये टोटल बड़ा वाला पेज है, आपको भी ऐसा बड़ा वाला पेज लेना है. नीचे से एक थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के आपको ये पूरा लाइन ड्रॉ करना है, उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे. यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ से छोड़ देंगे, एक दो लाइंस मैंने छोड़े हैं, और यहाँ से मैंने वाई एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ किया है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4. तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अभी पहले देखो हर एक वन सेंटीमीटर पे मैंने एक मार्क किया है, यहाँ पर भी वन सेंटीमीटर पे मैंने मार्किंग किया है. तो हमारे जो क्लासेस है वो स्टार्ट होते हैं 135 से. तो कैसे करना है वो देखो. तो मैंने 135 यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे मैंने 135 लिया है. तो हमें ऐसा नहीं करना है कि 135 यहाँ पे जैसे क्लासेस है, मैं थोड़ा सा नीचे भी लिखती हूँ, ये ऐसे हमें दिया है 135 टू 140, आफ्टर दैट 140 टू 145, 145 टू 50, दैट इज़ 150, एंड 150 टू 155. तो ये जो हमने लिखा है तो ये हमें ऐसे नहीं लिखना है, दैट इज़ 135 टू 140 करके हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे 135, 140, 145, 150 एंड 155. तो यही नंबर मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हैं, 135, 140, 145, 150 एंड 155. तो आपको ये क्लासेस ऐसे लिखने हैं. तो देखो अब ज़ीरो है यहाँ से, और ज़ीरो से डायरेक्ट हमारा नंबर आया है 135. तो बीच वाले जो क्लासेस नंबर्स है वो मैंने नहीं लिखे हैं, तो वहाँ पे मैंने क्रिंक मार्क किया है. क्रिंक मार्क का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक के जो भी नंबर्स है वो हमने यहाँ पे फोल्ड करके रखे हैं. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द 135, आफ्टर दैट द सेकेंड वन इज़ 140, 145. आपको सिर्फ ऐसे मार्क करके लेना है और ये सब नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं. वो क्या है, दिस आर द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे छोटा वाला नंबर जो है वो 4 है, और सबसे बड़ा है तो वह 16 है. तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगी, हम 2 से स्टार्ट करेंगे. अगर यहाँ पे नंबर नहीं है वो, फिर भी हम यहाँ से 2 का जो टेबल है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. 1 सेंटीमीटर पे मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ किया है. आप 2 सेंटीमीटर पे ऐसे 2, यहाँ से 4, यहाँ से 6 ऐसे करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 सेंटीमीटर पे ये किया है. तो ठीक है, आपके जो मैंने ये रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए वो ज़्यादा छोटे भी नहीं चाहिए और ज़्यादा बड़े भी नहीं चाहिए. ऐसा कोई रूल नहीं है कि कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है आपको. थोड़ा सा वो मैंने अभी बताया कि वो ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए और ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए. तो हमें कैसे ये ड्रॉ करना है वो देखो. पहले तो 135 से 140, तो ये देखो पहले यहाँ पे 135 से 140 का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4. तो देखो यहाँ से ये इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी वो है 4. तो हम यहाँ पे 4 देखेंगे कहाँ है, वो यहाँ है 4. तो मैंने यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है 135 से लेके 4 तक, और वो वहाँ से मैंने यहाँ पे उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट किया, वो यहाँ से 4 से यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया. और फिर से मैंने 140 से
यहाँ तक ज्वाइन किया और वो लाइन मैंने एक्सटेंड भी की है। अभी हमें देखना है मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 135 से 140 यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी वो है 4 है, यहाँ पे लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया। तो ये है 4, अभी हमें देखना है 140 से 145, तो 140 से 145 तक की जो फ्रीक्वेंसी वो है 12। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है वही लाइन हम वहाँ से एक्सटेंड करेंगे। मैंने यहाँ तक 4 तक ज्वाइन किया था, ये लाइन वहाँ से ही हम एक्सटेंड करेंगे। देखो ये दोनों ज्वाइन है, ऐसे आपको दिखाई देगा। सो 12 तक हमने यहाँ पे वो एक्सटेंड किया, आफ्टर 12 जस्ट वी ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अगेन वी कंप्लीट दिस अप टू 145। इसका मतलब है 140 से 145 तक की फ्रीक्वेंसी है 12। आफ्टर दैट 145 टू 50 तक की जो फ्रीक्वेंसी वो है 16। तो यही लाइन 12 तक की लाइन ही मैंने एक्सटेंड की है 16 तक, यहाँ पे नंबर है 16 और 16 से यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और वहीं से मैंने नीचे ये लाइन कंप्लीट कर दी। अभी 150 से 155 तक की फ्रीक्वेंसी है 8, तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इस लाइन को देखा और यहाँ से मैंने 8 कहाँ थे वो देखा और 8 से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया कहाँ तक, 155 तक, और नीचे से ज्वाइन किया। अभी आपको दिखाई देगा ये सब रेक्टेंगल ऐसे जॉइंट किए हुए हैं, सभी लाइन सभी रेक्टेंगल्स को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। सो इस टाइप के फिगर को हम बोलते हैं हिस्टोग्राम, सो इट इज़ नथिंग बट द हिस्टोग्राम। अभी हमें क्या करना है, इसका स्केल लिखना है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या किया है, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से हमें लिखना है, 1 सेंटीमीटर पर मैंने ये मार्किंग किया है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या है वो हमें देखना है। तो क्या करना है, आगे वाला जो नंबर है इससे पीछे वाला नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, कोई भी आप ले सकते हैं। सो 155 माइनस 150 इट इज़ 5। तो हमें ये यहाँ पे मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हाइट। तो ये हमें ये दिया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, हाइट लिया है, वो भी कैसे है, सेंटीमीटर में है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हाइट। अभी वाई एक्सिस पे हम देखेंगे, यहाँ पे इतने सारे नंबर हैं, कोई भी दो नंबर्स का हम सब्सट्रैक्शन लेंगे, ऊपर से नीचे वाला नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो 8 माइनस 6 किया तो भी 2 है, 10 माइनस 8 किया तो भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2। अभी वाई एक्सिस पे मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स किया है। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर तो नहीं लिख सकते, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। सो इस टाइप के फिगर को हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। अभी हम देखेंगे सेकेंड वाला एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड इज द टेबल बिलो शोज द यील्ड। द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ जवार पर एकर, शो द डाटा बाय हिस्टोग्राम। तो यील्ड पर एकर हमें क्विंटल में दिया है 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9 क्विंटल एंड 10 to 11 एंड नंबर ऑफ फार्मर्स। तो इतने एकर्स जो यील्ड है उसमें कितने फार्मर्स काम कर रहे हैं वो आपको दिया गया है, वो है 30, 50, 55, 40 and 20। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें देखेगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई भी क्लास कंटिन्यूस नहीं है, मतलब यहाँ पे एंड हो रहा है 3 से लेकिन स्टार्ट हो रहा है 4 से, 5 से एंड है लेकिन स्टार्ट 6 से। तो इसका हिस्टोग्राम हम नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हमें क्या करना है, इसका क्लास कंटिन्यूस बनाना है। तो ये पहले मैंने क्लास यहाँ पे लिख दिए जो हमें दिए गए वो। सो यील्ड पर एकर यही जो कॉलम है या जो हॉरिजॉन्टल लिखा है उसको मैंने ऐसे वर्टिकल में लिखा है, 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9 and 10 to 11। तो अभी हमें क्या करना है, इसका क्लास कंटिन्यूस करना है। तो क्लास कंटिन्यूस हम कैसे करते हैं, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही छोटी सी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। क्लास कंटिन्यूस करने के लिए ये जो लोअर लिमिट है उसमें से हम 0.5 माइनस करते हैं और इसमें 0.5 ऐड करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें से हमें 0.5 माइनस करना है और इसे 0.5 ऐड करना है। सो 2 में से मैंने 0.5 माइनस किया तो मुझे मिला 1.5 और इसमें ऐड किया तो 3.5। सबके लिए वही करना है, इसमें से भी 0.5 माइनस किया तो 3.5, इसमें ऐड किया 5.5, माइनस किया 5.5, ऐड किया 7.5, 0.5 माइनस किया 7.5, यहाँ पे ऐड किया 9.5, इसमें से सब्सट्रैक्ट किया 9.5, इसमें ऐड किया 11.5। तो अभी ये क्लास कंटिन्यूस हो गए। तो हमें ड्रॉ करने के लिए ये कॉलम चूज़ करना है।
और ये जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है वो मैंने यहाँ पर ही लिखी है। तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया कि इसके लिए 0.5 माइनस करना है और इसके लिए 0.5 ऐड करना है। तो अभी हम एक्स एक्सिस पे इसको ड्रॉ करेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट नंबर है स्टार्ट होगा 1.5, आफ्टर दैट 3.5, 5.5, 7.5, 9.5 और 11.5। तो ये मेरा एक्स एक्सिस 1.5 अप टू 11.5, 1 सेंटीमीटर पे मैंने ये लिखा है। और ये हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ फार्मर्स, सॉरी यील्ड पर एकर है, ये जो है वो यील्ड पर एकर है। तो मैंने यील्ड पर एकर लिखा है क्विंटल में। अभी ये जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ फार्मर्स की, वो हमें वाई एक्सिस पे दिखाना है। तो सबसे छोटा वाला नंबर है 20 और बड़ा वाला है 55। तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30 अप टू 60। तो ये देखो वाई एक्सिस 10 से लेके 60 तक मैंने किया है और ये क्या है, नंबर ऑफ फार्मर्स। तो देखो यहाँ पर भी ज़ीरो है, ज़ीरो से हमने डायरेक्टली 1.5 लिया है, एक्चुअली 1 होना चाहिए था, तो 1.5 है। तो यहाँ पे मैंने क्रिंक मार्क कर दिया। ये आपको हर एक एग्जांपल में करना है। सो 1.5 से 3.5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 30। सो यहाँ से 1.5 की लाइन हमने ड्रॉ की है 30 तक, 30 से हॉरिजॉन्टल लाइन। आफ्टर दैट वी गोइंग टू कंटिन्यू दिस लाइन अप टू 3.5। आफ्टर दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.5 टू 5.5 इज 50। सो वी कंटिन्यू दिस लाइन अप टू 50 एंड अगेन आई ड्रॉ हियर द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड गोइंग टू कंटिन्यू अप टू 5.5। आफ्टर दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5.5 टू 7.5 इज 55। सो 5.5 से 7.5, सो 55 इज इन बिटवीन द 50 टू 60। सो दिस नंबर और दिस लाइन इज नथिंग बट द 55। सो वी गोइंग टू कंटिन्यू दिस लाइन एंड कंटिन्यू अप टू 7.5। आफ्टर दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 7.5 टू 9.5 इज 40। सो वी हैव टू ड्रॉ दिस 40 नंबर, सी द लाइन ऑफ 7.5 एंड वी हैव टू कंप्लीट इट, कंटिन्यू इट अप टू 40। 40 से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कब, 9.5 तक। एंड द लास्ट फ्रीक्वेंसी वी आर गिवन दैट इज 20। सो 9.5 की लाइन हम देखेंगे और यहाँ से 20 तक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अप टू 11.5। सो दिस इज नथिंग बट द हिस्टोग्राम ऑफ द सेकेंड एग्जाम्पल। एंड हियर ऑल्सो वी हैव टू राइट डाउन द स्केल। सो एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल। सो 2 क्विंटल मैंने कहाँ से लिया, सो 5.5 माइनस 3.5 यहाँ पर मैं करके दिखाती हूँ। सो कोई भी आप दो नंबर्स ले सकते हैं। तो यहाँ से 0 और यहाँ पे आंसर आया 2। सो 2 क्विंटल, तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 क्विंटल। एंड ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर पर मार्किंग की है। कोई भी दो नंबर की सब्सट्रैक्शन आप ले लो। सो 40 माइनस 30 इट इज़ 10 फार्मर्स। फार्मर्स क्यों, क्योंकि मैंने वाई एक्सिस पे क्या दिखाया है, नंबर ऑफ फार्मर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्टोग्राम, हाउ टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। इन दिस एक्सरसाइज देर आर 4 एग्जाम्पल्स आउट ऑफ विच आई हैड ऑलरेडी सॉल्व द 2 एग्जाम्पल्स एंड रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल्स यू हैव टू सॉल्व बाई योर सेल्फ। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट कंसेप्ट। थैंक यू।